थोड़ा बताना, थोड़ा बता देंगे तो मने रिकॉल हो जाएगी चीज़ें। और फिर इसके बाद हमारा मुख्य जो अवधारणा है वायु दाब डालती है, इसके लिए पुरानी पुतलों को कुछ स्ट्रा वगैरह ऐसे असेंबल करके चीज़ों को इसको दिखाने के लिए सबसे अच्छा ये एक बोतल में रंगीन पानी भरे हैं और एक गुब्बारा लेकर के उसमें हम हवा करते हैं। और इस हवा भरे गुब्बारे को जब इस बोतल पर हम ऐसे लगा देते हैं, ये हवा दाब डाल रही है, इसकी वजह से ये पानी यहाँ इस स्ट्रा से होते हुए इस बोतल में इकट्ठा हो जाएगा। अब ये कटोरी इसमें चिपक गई, क्योंकि जब हमने मोमबत्ती जलाई तो मोमबत्ती के ऊपर की हवा गर्म होकर के ऊपर उड़ गई और यहाँ पर एक तरह से कम दाब का क्षेत्र बन गया और उसको मैंने कवर कर दिया इस गिलास से। ये कम दाब का क्षेत्र बना रहा और जब कवर कर दिए तो अगल बगल की हवाएं इसमें चारों तरफ से आने लगी और उन्होंने इस कटोरी के जल पर दाब लगाया। दाब लगाया तो ये कटोरी का जल इस गिलास में ऊपर आ गया। और है और से बच्चों को गिलास है कागज भी, हाँ कागज से भी हो जाएगा। और बना रहा और जब कवर कर दिए तो अगल बगल की हवाएं इसमें चारों तरफ से आने लगी और उन्होंने इस कटोरी के जल पर दाब लगाया। दाब लगाया तो ये कटोरी का जल इस गिलास में ऊपर आ गया। और है और बच्चों को अलग नहीं हो पाता और इसको दबाए रहता है और अलग नहीं हो पाता। जैसे ही हम थोड़ा सा तिरछा करेंगे हवा को आराम से, ये सिरिंज है साधारणतया मने मिल जाती है, एक बार उपयोग करने के बाद तो फेंक देते हैं। इससे भी हम लोग बच्चों के बीच में अपनी इस कॉन्सेप्ट को धारणा को आसानी से रख सकते हैं कि वायु दाब डालती है। जैसे ही हम इस सिरिंज को या कोई भी इस तरह की डिवाइस जैसे पिचकारी वगैरह, इसका सिरा हम किसी द्रव में डाल करके इसका पिस्टन खींचते हैं तो इस सिरिंज के अंदर कम दाब का क्षेत्र बन जाता है। उस कम दाब के क्षेत्र को भरने के लिए बाहर की वायु दाब डालती है इस द्रव के सतह पर। उस वायु के दाब के कारण इस ये द्रव इस सिरिंज में, सिरिंज के खाली स्थान में भर जाता है। वायु दाब को समझाने के लिए इस तरीके से साधारण सी चीज़ों से हम बच्चों के बीच में वायु दाब डालती है आसानी से इस अवधारणा को बच्चों के बीच में रख सकते हैं।